नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मर्दर क्लासेस पर। दोस्तों आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर का आज का करंट जीके लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। तो करते हैं स्टार्ट। आज का प्रश्न है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्रग्स कंट्रोल ऑपरेशन पर हाल ही में कौन सी भारत म्यांमार द्वीप क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है। कौन सी थी? तो वह थी दोस्तों 5वीं बैठक थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कौन सी सरकार ने दी है? तो वह दी है दोस्तों बिहार सरकार ने हाल ही में ये निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। तो कौन से वो अभिनेता और है? तो वो है दोस्तों सनी देओल, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये सुरक्षा उनको दी है। भारत के मशहूर पहलवान श्रीपति खासराले का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष हिंद केसरी का खिताब से सम्मानित किया गया था? कौन से वर्ष में उन्हें सम्मानित किया गया था? वह किया था 1959 में। भारत के पहले मशहूर पहलवान माने जाते हैं। इनमें से किसे जल्दी मतदाताओं की डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को उपलब्ध कराने वाला है? कौन सा जो आयोग है वो तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है चुनाव आयोग, जो कि उन्हों का ही काम है पहचान पत्र बनाना, वोटर कार्ड बनाना उन्हों का काम है, वो है चुनाव आयोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में हाल ही में विकासात्मक परियोजना का शिलान्यास किया है? तो वो कहाँ किया है? तो वो किया है कच्छ में दोस्तों, कच्छ जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। निम्न में से किस परिवहन विभाग ने राज्य में वाहनों के लिए उस सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य किया है? वो किसने किया है? तो वो किया है दिल्ली परिवहन विभाग ने। अगला प्रश्न है, टैक्सी सेवा कंपनी ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए 2400 करोड़ रुपए के निवेश किया है? वो किया है दोस्तों किस राज्य ने किया है? तो वो तमिलनाडु ने। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।